आपको दिखाते हैं बदलते मौसम में बढ़ी मरीजों की संख्या से बीमार हुए एमपी के एक सरकारी अस्पताल की कहानी। यहाँ कहीं जमीन पर तो कहीं एक एक बिस्तर पर दो दो मरीज लेटे हुए हैं। बिस्तर ना सही, जमीन पर तो मिल रहा इलाज। कहीं दो मरीजों को नसीब हो रहा एक ही बिस्तर। अव्यवस्था की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई है, जहाँ के सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी तो व्यवस्था ही चरमरा गई। बदलते मौसम के साथ वायरल फीवर और सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं ने दस्तक दी तो लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या होगी जब यह अस्पताल ही अव्यवस्था का मरीज बन गया। मरीजों के लिए ना तो बिस्तर की व्यवस्था है और ना ही इलाज के सामान की। मरीज किसी सड़क की तरह दो बिस्तरों के बीच जमीन पर लिटाए जा रहे हैं और वहीं ड्रिप चढ़ाई जा रही है। बड़ों को जमीन नसीब हो रही है तो कम उम्र के दो मरीजों को एक बिस्तर आपस में बांटना पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, पलंग पर दो दो मरीज भर्ती है और पेशेंट को कोई साल संभाल नहीं है। नीचे पड़े हैं वो, देखो सर वो नीचे पड़े हैं बेचारे। एक तरफ मरीजों के परिजन अव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं, परिजन ही क्यों, अस्पताल से आ रही तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही है, तो वहीं अस्पताल से जुड़े लोग सारी व्यवस्था होने की बात कर रहे हैं। सभी वार्डों में मरीज वायरल के हैं, मेडिकल वार्ड में भी हैं, वहाँ भी 70-80-90 मरीज हैं, पुरुष महिला वार्ड में भी 70-80 मरीज भर्ती है। तो क्या सर पलंग पे इनको जगह मिल रही है? हाँ, सबको एकोमोडेट किया जा रहा है, पलंग की व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे में सवाल है कि शुरुआती मामलों में जब एक सरकारी अस्पताल की ये हालत हो तो क्या हालत बिगड़ने पर यहाँ मरीजों को इलाज मिल पाएगा। ABP News, आपको रखे आगे।